नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज हम आए हैं पुणे के तुलसीबाग में। यहाँ पे महात्मा फुले मंडई बहुत फेमस है और यहाँ नज़दीकी दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर है। तो यहाँ पुणे में आने का एक कारण है कि यहाँ पे एक फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा स्टोर है और मैं 2007 से बहुत पुराना इनका कस्टमर हूँ। 2007 से जितने भी मैंने फोटोग्राफी के जो भी एक्सेसरीज है वो सब मैंने यहाँ से ही परचेस किए हैं और यहाँ पे जो किशोरी भाई है वो बहुत पुराने हमारे फ्रेंड है। तो चलिए आज हम उनकी शॉप में आए हैं और उन्होंने जो अभी जो लेटेस्ट कैनन के जो मिररलेस कैमरे आए हैं उसके बारे में उन्होंने डेमो रखा है। तो चलिए उन जो कैनन के एग्जीक्यूटिव है उनसे हम बात करते हैं और उसमें क्या क्या नए फैसिलिटीज है, नए क्या क्या फीचर है और वो कितना जो पहले वाले जो कैमरे थे जो मिरर वाले उससे ये कितना बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम शॉप में आ गए हैं और यहाँ पे हमारे बहुत पुराने जो दोस्त हैं किशोर भाई, इनसे हम अभी कैनन के जो मिररलेस कैमरे इनका डेमो लेने वाले हैं। तो ऐसे मतलब अभी सितंबर में मैंने 6D Mark II कैमरे लिया तो उसके तुरंत बाद ही ये भी मिररलेस कैमरे आ गए। तो अभी ये अगर पहले पता होता तो शायद मैं वही लेता। तो ये उससे कितना बेहतर है मिररलेस कैमरा तो वीडियो के लिए वगैरह इसके लिए तो फर्स्ट क्लास ही रहता है। आपको पैनल से एक्टिवेटर है जो पैनल आपको बता देगा क्या क्या फंक्शन है कैसा है। ओके ओके धन्यवाद किशोर भाई। चलो फिर सर इनका नाम सुनील है। आज ये हमें कैनन के जो मिररलेस कैमरे उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। जो भी कुछ गेम ये सब यही देने वाले। तो इनसे बात करते हैं ये इतना अभी इसमें जो मिररलेस कैमरा जो आया है तो इसमें डिफरेंस क्या है ये जो लेंस है 24 सिनेमैटिक लेंस सिनेमैटिक। हां तो इससे आप ISO शटर स्पीड अपर्चर चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको अच्छा इसका मतलब ISO का बट रिंग पे दिया है उन्होंने। मतलब आपको जैसे चाहिए यहाँ पे आपको अपर्चर मॉडल करना है तो अपर्चर कर सकते हैं, ISO करना है तो ISO कर सकते हैं। अच्छा अच्छा मतलब ISO शटर स्पीड और ये तीनों स्विच कर सकते हैं इस तीनों में से कोई एक ये मतलब कोई भी एक स्विच कर सकते हैं अगर ISO एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन है। हाँ हाँ एक्सपोजर के जितने मोड से कोई भी एक मोड आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये इसमें नया फंक्शन है। हाँ अच्छा और दूसरी बात यहाँ पे जो डायल मोड था पहले वाले कैमरे में वो हटा के उन्होंने सिर्फ एक ही बटन पे मोड बीच में और इसमें वीडियो क्वालिटी कैसे है। वीडियो क्वालिटी सर इसमें HD है, फुल HD है, 4K मूवी रिकॉर्डिंग है और मूवी के अंदर हम लोग जो बोलते हैं एक्सिस वगैरह जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सिस नहीं दिया हुआ है, मूवी कॉम्बिनेशन आया है। बिकॉज एक्सिस अगर हम लोग इसको नाम लेते ना तो एक्सिस में सेंसर जो है ना वो वाइब्रेट होता है, अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी जिस वे में आप कैमरा घुमा रहे हो उस वे में सेंसर भी वर्क करे बराबर, वो वाइब्रेट होगा उस डायमेंशन में वर्क करेगा बराबर। कैमरा के अंदर सेंसर का मेन काम क्या है कि जो भी लाइट नेचुरल लाइट बाहर से आ रहा है यहाँ से अपर्चर शटर स्पीड से जो कंट्रोल करके हम लोग सेंसर पे जो लाइट दे रहे हैं तो उस लाइट का 100% वीडियो या तो फोटो बनाए बराबर है। इसके लिए उसको स्टिल होना कंपलसरी है। अगर मैं उसको दूसरा भी काम दे दूँ मान लो कि एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बाइक चला रहा हूँ मुझे सामने देखना है अगर मैं ये साइड पे देखता हूँ तो ये साइड का कुछ ना कुछ टूट जाएगा या फिर कहीं पे ये हो जाएगा। सेंसर को यहाँ पे हम लोगों ने काम दिया है दूसरा ओनली ये लाइट लेके उसका वीडियो और इमेज बनाया। हम लोगों ने इसमें मूवी कॉम्बिनेशन आया इसके लिए दिया हुआ वो एज अ एक्सिस जैसे ही वर्क करेगा बट सेंसर वर्क नहीं करेगा। दूसरी चीज RF के जो लेंसेज है उसके अंदर हम लोगों ने IS का एक सेपरेट यूनिट दिया IS का सेपरेट यूनिट यूनिट दिया क्यों
इसके अंदर 2% का ये वर्क करेगा, कौन सा आईएस का काम करेगा, और 3% का जो आईएस है वो बॉडी में बॉडी में भी वर्क करेगा, वर्क करेगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको 5 एक्सिस मिलेगा। और दूसरी चीज, ये जो सेंसर जो वर्क कर रहा है ना, उसके पहले कैसे RGB वगैरह डायरेक्टली सेंसर पे वर्क कर रहा है, अभी हम लोगों ने IR मीटिंग जो है ना वो सेंसर के पीछे कर दिया, बिकॉज जो भी आपका लाइटिंग होगा या फिर कैमरा जो भी प्रायोरिटी देगा वो स्क्रीन के ऊपर। दूसरी चीज, लेंस के अंदर हम लोगों ने एक DLO का ऑप्शन दिया, DLO यानी कि डिजिटल लेंस ऑप्शन। अभी इसका काम क्या है, जब भी हम लोग फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के बाद एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक फोटो ऐसे सेलेक्ट करते हैं, बाजू में रखते हैं, उसका एब्रेशन निकाल के फिर जाके बैकग्राउंड पे रखते हैं, बराबर है। या फिर जब भी एडिटिंग करते हैं ना, उसमें एक ऑप्शन आता है एडिटिंग में कि DLO यानी कि जो कलर का एब्रेशन है वो निकालने के लिए। तो ये जो इसका जो करेक्शन है, ये इनबिल्ट लेंस में भी होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर मैं RF का लेंस नहीं यूज करता हूँ, मान लो कि EF या IF तो ये रिमूव करने के बाद भी आपका बॉडी में भी आपको वर्क करेगा। और दूसरी चीज, जैसे आप फोटो कैप्चर करते हो जिसके अंदर रॉ है, ठीक है, तो आप रॉ में इसलिए फोटो कैप्चर करते हो बिकॉज आप जब भी एडिटिंग करोगे या पोस्ट प्रोसेसिंग करोगे तो उसका रेजोल्यूशन कम नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो में ऐसा ऑप्शन है, तो हम लोगों ने इसके अंदर एक कैन का सॉफ्टवेयर आता है सी लॉग, तो वो हम लोगों ने इसके अंदर इनबिल्ट दिया हुआ है, यानी कि आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप वीडियो भी कैप्चर करोगे तो वो रॉ में कैप्चर करोगे नहीं था, 5D में भी नहीं है, 5D में आपको अलग से इंस्टॉल करके लेना पड़ता, इसमें इनबिल्ट है वो चीज़। अभी आप क्या करोगे, जैसे भी मतलब आप एडिट करोगे जब भी वीडियो, तो आप कलर इनहेंस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जो चाहिए आप वो बाद में कर सकते हो। दूसरी चीज, हम लोगों ने 8-bit और 10-bit इनबिल्ट दिया हुआ है, okay. आपको कलर प्रोसेस का वो भी आपको पता है। दूसरी चीज, इसके अंदर 8-bit इनबिल्ट प्ले होगा विद सीलॉक के साथ, लेकिन 10-bit प्ले नहीं होगा, बिकॉज 10-bit का जो डाटा है ना इतना हेवी कैरेक्टर होता है, इसके लिए आपको स्क्रीन या तो फिर HDMI लगाना। और बाकी फोटो के लिए तो सर आपको पता है कैनन का कलर टोनिंग है, आप वीडियो के लिए भी देख लेना, ये बहुत सारे ब्रांड्स है जो आज की डेट पे मिररलेस में, बट कुछ ना कुछ मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट ये कैमरा ऐसा है इसके अंदर 1% का आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। अभी इस कैमरे में जो सेंसर बिठा है वो कौन से वर्जन का है और वो कैसे वर्क करता है? सेंसर तो सर कैनन का ही, मैंने जो सिद्धि का जो लिया था सिद्धि मार्क, उसमें डिजिट 7 का सेंसर नहीं, वो प्रोसेसर ना, हाँ प्रोसेसर, इसमें डिजिट 8 का प्रोसेसर, इसमें डिजिट 8 का प्रोसेसर, तो उसमें क्या क्या मतलब इंप्रूवमेंट क्या किया? डिजिट 8 प्रोसेसर में IS इंप्रूवमेंट किया हुआ है, IS, ठीक है। उसके बाद जितने भी डिजिट 8 के प्रोसेसर है उसमें 4K मूवी रिकॉर्डिंग आ गया, इनबिल्ट स्लो मोशन रिकॉर्डिंग है, इनबिल्ट स्लो मोशन, और उसके बाद एक USD का भी ऑप्शन, यानी कि पहले 4K कैसा था, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन था ना, तो अभी DCI हो गया, DCI हो गया, ये भी एक फायदा है। उसमें अभी जो फोकसिंग पॉइंट है वो किस तरह से मैनेज किए, अभी टोटल फोकसिंग पॉइंट कितना है? अभी इसमें टोटल है 5565, बट इसके अंदर कैसा है ना, टोटली आपको स्क्रीन के ऊपर दिख के नहीं है, क्योंकि इसमें आपको फोकस पॉइंट दिखाने के लिए उतना जगह भी चाहिए, उतना जगह भी है। इसके अंदर आपको दिखेंगे 143, ठीक है। अरे 143 कैसे दिखेंगे आपको, इस टाइप ये, अगर मैं एक ऑटो फोकस पॉइंट 143 में से एक ऑटो फोकस पॉइंट है, इसके अंदर 25 डॉट्स है, यानी कि ये ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो 5655 है। मेरे ख्याल से जो हॉरिजॉन्टल 87 है, वर्टिकल 56 चाहिए, तो उसमें बैठते है वो अडैप्टर उसमें बैठ जाएगा, तो जो लेंस हम आगे लगाएंगे, मतलब हम लोग जो अडैप्टर उसके साथ में दे रहे हैं ना,
तो अगर वो अडैप्टर लगाओगे तो कैनन माउंट के जिसने EFS EF के सारे लेंस सारे क्रॉप सेंसर फुल सारे जो सारे सब लगेंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम है अगर कोई फोटोग्राफर लेकिन और दूसरी चीज 35 mm 1.8 और विद माइक्रो के साथ में और विद LED लाइट के साथ में अगर आपको माइक्रो फोटोग्राफी करना है तो भी यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज और एक सत्तर 200 की अभी लॉन्च हो रहा है बट इंडिया में अभी आया नहीं है, कुछ दिन में आएगा बट उसका डिजाइन जो किया हुआ है ना वो एकदम कॉम्पैक्ट में और लेंथ में भी काफी अच्छा। टोटल RF माउंट कितने अभी निकाले इस कैमरे के? 6 lenses कौन से आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर को? एक तो 24-105 है, 2 lakh 2 hazar तो कीर्ति स्टोर में जरूर आना और यहाँ पे होलसेल प्राइस दिया है उन्होंने 2 lakh 2 hazar विद GST बिल और 2 साल की वारंटी के साथ। थर्ड पार्टी बनवणार बरोबर आणि थर्ड पार्टी बनवलेला तर त्यांचा ऍडॅप्टर कसं आहे फायद्याची गोष्ट सोडून जाते इतर ठीक आहे ते पण बिझनेस करतो बरोबर पण याचा कॉम्बिनेशन असेल ना फोकसिंग मध्ये लेग येतं ना फ्लॅश लावलं तर बॅकग्राऊंड फ्लॅश लावलं तर
काम काय की आपण जिथं आटो फोकस लाईट प्रॉपर जास्त असेल अजून एक ऑप्शन आहे ते पण खूप चांगलं मला एक फोटो दाखव त्याच्यामध्ये आय ऑटो फोकस पण आहे फोटो आएगा यूट्यूब पे डिटेलिंग मस्त है शार्प में जबरदस्त अभी मेरे पास जूम करने के लिए ऑप्शन है फोटोस नाहीये तर व्हिडिओची पण क्वालिटी चांगली दिली सबसे मेन जो चीज है ना कि ये वीडियो के अंदर आपको सेकिस नहीं मिलेगा क्योंकि जो मैंने आपको मूवी कॉम्बिनेशन का ऑप्शन दिखाया था ना देखो आप दूसरा कोई कैमरा उठा लो वीडियो शूट करो ऐसे 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 मतलब अटक के चलेगा आप इसके अंदर तो ऐसा लग रहा है कि मैं गिम्बल से कुछ शूट किया है आपसे इतना है तो गिम्बल से कितना अच्छा आएगा एकदम प्रॉपर स्टेबलाइज होगा प्लानिंग में कैसे अटैक से चल रहे हैं वैसे दिखना चाहिए
पूरा स्टेनलेस हो गए दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे अच्छा खासा अपडाउन किया कैमरा ये भी हुआ है वीडियो क्वालिटी वीडियो स्टेबलाइजेशन और जो एक्सेस करते वो भी प्रॉपर इंप्रूव करके दिया और मतलब ये कैमरा जो है ना ऐसा नहीं है कि जस्ट आप इसको फोटो ही क्या अच्छा आएगा या फिर या तो मिररलेस है तो वीडियो के लिए मिररलेस अच्छा है ऐसा नहीं है दोनों के लिए कैमरा अच्छा है। प्लस दूसरी चीज़ क्या है ना मिररलेस का फायदा क्या होता है ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना जब भी हम लोग लेंस रिमूव करते हैं तो ऐसा लगता है कि डस्ट इंटर होगा या फिर मॉइस्चराइज के लिए हमारे मोशन के हिसाब से लिए तो यहाँ पे ना एक कैप दिया हुआ है यानी कि मिररलेस का जो सेंसर है वो फ्रंट पे होता है तो अगर ये कैप ना होने की वजह से जो डस्ट है वो डायरेक्टली उसके ऊपर ही जाए तो उससे अच्छा है कि ये कैप दिया हुआ है। ये जस्ट एक ही ऐसा कैमरा है जो कैप दिया हुआ है जैसे वो कैप ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है तो आज तक कोई भी कैमरा बनाया ऐसा भी ऐसा ऑप्शन दूसरी चीज यहाँ पे 12 पिन का ऑप्शन दे दिया जो किसी भी ब्रांड में ऐसा 12 पिन का ऑप्शन नहीं है। ये क्यों दिया हुआ बिकॉज हम लोगों ने कुछ काम लेंस को भी दिया अगर हम लोग सारा काम अगर बॉडी को देते हैं ना तो बॉडी जल्दी हीट होता है बॉडी जल्दी हीट हुआ तो बैटरी जो है ना काफ़ी जल्दी डेड इसके लिए मिररलेस के इसके लिए मिररलेस का कोई भी कैमरा 250-270 से ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं होगा। ये ऐसा कैमरा है हम लोग ऑफिशियली 450 बोलते हैं बट जो फोटोग्राफर है वो बोलता है कि हम लोगों ने 750-800 फोटो का वेडिंग हमने कैप्चर किया ठीक है। और दूसरी चीज़ ये माउंट बड़ा होता है ये 54 mm का है ठीक है। और ये डायमीटर बड़ा होने की वजह से ये जो लेंस है लेंस के अंदर जो ब्लेड्स आते हैं डायफ्राम अपर्चर के पहले 8 मैक्सिमम होता था ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोगों ने दे दिया है 10 बढ़ा दिया हाँ और इसके बाद हम लोग 12 भी बना सकते हैं। दूसरी चीज अगर ये माउंट बड़ा होने की वजह से हम लोग पहले 1.2 तक का लेंस ठीक है 1.1 का लेंस आएगा अभी हम लोग 1.1 का भी लेंस बना सकते हैं और वो हो जाएगा कुछ दिन में ठीक है। और दूसरी चीज ये जब भी आप लेंस अटैच करोगे ना यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ पे हम लोग जैसे अटैच करते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है ये जो पॉइंट्स है ना ये घिसे जाते हैं बराबर तो कैनन ने वो चीज और ये घिसने के बाद क्या होता है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है एरर 01 एरर 60 एरर 70 का प्रॉब्लम आता है ठीक है। तो वो चीज ना नहीं आना चाहिए इसके लिए कंपनी ने ये जो चार पॉइंट्स है ना ये जो ड्यूरेशन है उसको नीचे यानी कि वो प्रॉब्लम आएगा ऐसा नहीं कि नहीं आएगा वो कभी आ सकता है अगर आप कैमरा काफी दिन तक अगर यूज नहीं करोगे और दोनों का जैसे बोलते हैं ना हम लोग कार्बन आता है तो उस टाइप ज्यादा इस्तेमाल होने के बाद बाइक का जैसे ये लगाते हैं और जो क्या बोलते हैं प्लग जो है वो प्रॉपर अगर अटैचमेंट नहीं है या कार्बन तो थोड़ा सा वो घिसना पड़ता है फिर वो स्टार्ट हो जाता है उस टाइप का प्रॉब्लम आता है ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे प्लेट बढ़ गए यानी कि उसका सर्कल बढ़ गया ठीक है। सर्कल बढ़ने की वजह से जो लाइट है पहले जितने भी लेंसेस से उससे ज्यादा लाइट कैप्चर ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं मतलब अपर्चर से तो होगा ही होगा लेकिन ब्लेड की वजह से भी लाइट ज्यादा कैप्चर होगा यानी कि अगर मान लो कि मेरा पुराना वाला 24-105 है और नया वाला दोनों में क्या डिफरेंस होगा बिकॉज इसके अंदर 8 ब्लेड से इसके अंदर 10 ब्लेड से उसकी वजह से वो जो लाइट है ना वो ज्यादा कैप्चर होगा। मान लो कि उसमें रॉ में अगर 30 MP का फोटो कैप्चर होता है तो उसमें 35 MP का फोटो कैप्चर होगा बड़ा सेंसर चाहिए बड़ा सेंसर मीन्स
ज्यादा लाइट का नहीं, ज्यादा लाइट कैप्चर करने वाला सेंसर चाहिए। और उसके बाद हम लोग बड़े लेंसेज इसके लिए देते हैं, बड़े अपर्चर ओपनिंग वाले, लाइट ज्यादा कैप्चर होना चाहिए। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आपको पहले जब फोर पे भी आपको इतना अच्छा बूटे इफेक्ट मिलता है, जैसे कि अभी सर 50% ना ये मशीन वाले पड़ते हैं राहुल का रिकॉर्ड नहीं प्लॉट लगा गया अक्राजर पर सीधी रिप्लाई फुल फ्रेम कैमरा उसके लिए भी आपका डेप्थ सबको अच्छा मिल रहा है। और उसके बाद आपका जो लेंस है, लेंस के अंदर जो ब्लेड्स है ना वो ब्लेड्स बढ़ गए, ये 8 ब्लेड था मैक्सिमम, अभी हम लोगों ने 10 ब्लेड कर दिया। 10 ब्लेड के बाद वो 10 ब्लेड की राइट साइड पे भी था और लाइट ज्यादा था, उसकी वजह से जो लाइट है जो रेगुलेशन है वो आपको ज्यादा अजून तो सिकुर की सांग। और बाकी अभी हम लोगों ने अलग से एक ऑप्शन दिया, जैसे कि मेरे पास पैडी कैमरा है या फिर कोई भी ब्रांड का कैमरा, मान लो कि मैं अगर पहले लेंस लेता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए जो डायमीटर है लेंस का, जो कैप का डायमीटर है, तो उसका 77 या फिर 58mm 52mm होगा। अगर मैंने 85 ले लिया तो उसका कुछ अलग रहेगा, या फिर 7200 लिया उसका कुछ अलग रहेगा। अगर मुझे CPL या फिर ND या तो फिर UV फिल्टर यूज करना है, हर एक के लिए मुझे अलग अलग फिल्टर लेना पड़ता है। तीन काम करेगा, ये कंट्रोलिंग रिंग मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, RF का लेंस नहीं यूज करता हूँ, मान लो कि EF का लेंस यूज करता हूँ, तो उसको ये तो बाउंड कन्वर्ट हुआ। दूसरी चीज ये रिंग उसके ऊपर आएगी, यानी कि ये रिंग भी आपको उसमें मिलेगा, प्लस एक क्लॉकिंग फिल्टर का एडाप्टर में ऑप्शन आएगा, यानी कि एक ही फिल्टर उसके अंदर आप यूज करो, लेंस एनी आपको इफेक्ट सेम मिलेगा, यानी कि एक ही फिल्टर के अंदर आप सारे लेंसेज का ये यूज कर सकते हो, वो भी ऑप्शन। और मान लो कि अगर आप वो ड्रॉप इन फिल्टर का एडाप्टर नहीं यूज करते तो अगर ये रिंग चाहिए तो स्पेशल एक रिंग का भी एडाप्टर बोलना, अभी तक बोल गया ऑलरेडी, मान लो कि ये सेम एडाप्टर होगा लेकिन उसके ऊपर रिंग, मतलब इंटर प्राइस पे दीजिए वो की वीडियो लेकर आएगी, तो इस टाइप का। और दूसरी चीज, कुछ कस्टमर्स ऐसे बोलते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर एक सिंगल ही स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, सिंगल स्लॉट इसके लिए दिया हुआ है बिकॉज इसका जो बॉडी है ना वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, लेकिन सिंगल स्लॉट रहने के बावजूद भी इसके अंदर आप 440 Mbps का कार्ड यूज कर सकते हैं, 440 Mbps का, तो ऐसा नहीं है कि 440 Mbps का 128 GB या फिर उससे भी ज़्यादा अगर कोई होगा तब भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप 128 यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कैमरा जो है ना मिररलेस, मतलब क्या होता है ना कि कैमरा काफी छोटा होता है, ठीक है, लोगों को लगता है कि कैमरा छोटा है इसके लिए हम लोग ले रहे, बट बाद में प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि आप मान लो मैंने ये पिक्लेंस हटा के अगर मैं 7200 इतना बड़ा कैमरा 7200 लेंस तो यूज करना ही करना है, ठीक है, या 100-400 वाइल्ड लाइफ वाला होगा, उससे क्या होता है ना जैसे कि आप लेंस अटैच कर दोगे ना तो लेंस बड़ी हो जाएगी, कैमरा छोटा होगा, आपको लेंस को ये करना पड़ेगा, ग्रिप करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये एक ऐसा कैमरा है भले आप 7200 लगा रहे हैं, इसका जो ग्रिप है ना वो आप 3 फिंगर पे इजीली वो भी हैंडेड शूट कर सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी है वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो बॉडी है ना इतना भी लाइट वेट नहीं है कि आप फोटो के अंदर उसका जो स्टडीनेस है आपको ना मिले, इसमें स्टडीनेस मिलेगा, बॉडी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, उस हिसाब से तो हमारे जो एडवांटेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो उसके अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, हम लोगों ने वो भी कॉम्बिनेशन आया हुआ है उसके अंदर भी है, और उसके अंदर एक्सिस है, इसके अंदर मूवी कॉम्बिनेशन आया है, अभी उसका क्या फायदा है
क्या होता है आपको मैंने बता रहा हूँ ठीक है। दूसरी चीज ये कैमरा में DLO दिया हुआ है, बॉडी में भी DLO है, लेंस में भी DLO है, अभी DLO का आपको पता है ठीक है। तो और दूसरी चीज इसकी जो कलर टोनिंग वो कैमरा से आपको इसमें कितने तो बेटर स्पीड है आप कभी भी कंपेरिजन कर लेना, अगर आपको कैमरा वो मिल जाए तो यूज करना और ये कैमरा यूज करना, और दोनों का वीडियो क्वालिटी और दोनों का फोटो क्वालिटी या डिटेलिंग या फिर ज़्यादा आया तो यूज़ करने के बाद नॉइज कैंसिलेशन ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ जो सी लॉग है हमारा आपको ऐसा एडवांटेज दिखाएंगे लोग कि इसके अंदर 10 बिट जो है ना वो इनबिल्ट प्ले होता है ठीक है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि अगर 10 बिट इनबिल्ट कैमरा में प्ले हो रहा है तो उसका रिजोल्यूशन ठीक है। ये कैमरा में 10 बिट है पर 10 बिट प्ले नहीं होगा, आपको HDMI अलग से स्क्रीन लगाना पड़ता है, 8 बिट इनबिल्ट प्ले होगा विद सी लॉक के साथ, ये चीज़ है। और बाकी तो ऑटो फोकस पॉइंट ज़्यादा है, 5600 है और 5600 लेकिन हम लोगों ने पहले एनालाइज किया कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी टच करके आपको जो मोड चाहिए फोटो मोड चाहिए फोटो मोड यहाँ पे ये प्रेस करोगे ये ऑटो चाहिए कवर वगैरह। मतलब यहाँ पे अगर मैंने टच स्क्रीन को यहाँ पे एपर्चर को यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैंने रिंग से कम ज्यादा किया तो उसका असर नहीं, रिंग से नहीं, यहाँ से अभी ये होगा, ये कंट्रोल डायल कंट्रोल है ठीक है। नहीं नहीं ये स्विच कैसे करेगा समझो, मुझे एपर्चर को इस रिंग को असाइन करना है ठीक है, उस रिंग के ऊपर आपको अपर्चर चाहिए ठीक है, मेनू प्रेस करना पड़ेगा, मेनू प्रेस करके यहाँ पे कस्टम फंक्शन बटन में आके यहाँ पे फोन नंबर पे कस्टमाइज डायल बटन अभी उस रिंग के ऊपर यानी कि ये ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे प्रेस करोगे आपको ये भी चाहिए, ये मेरे ये भी रहती है अभी यहाँ पे भी ये भी है मतलब यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं रखता हूँ Thank you.
स्क्रीन आहे का ती केल्विन दिले का ती टोनिंग चेंज करना जो कलर टोनिंग आता है आता डीजे टोनिंग है थोड़ा सा रेडिश येलो है थोड़ा येलो है वाला थोड़ा सा ब्लू है वेडिंगला ते मॅक्सिमम मिळते सिनेमॅटिकला जबरदस्त आहे सिनेमॅटिक फोटो दोन्ही साईड प्री वेडिंगला तर छानच आहे आणि जे वेडिंगला जे हे करतात हायलाईट आता याच्या अगोदर एक होतं म्हटलं की फोटोसाठी चांगला आहे व्हिडिओसाठी चांगला नाही ते प्रत्येकाचे माइंडसेट असतं प्रत्येकाचं वेगळे कोणाला निकॉन आवडतं तर कोणाला कॅनन कोण सोनीचं व्हिडिओ प्लस कलर टोनिंग त्याची शार्पनेस महत्वाचं आहे त्याची डेप्थ बघा डिटेल आणि एफ फोर जो आहे एफ स्टॉप त्याच्यावर चांगली शॅलो डेप्थ ऑफ फील्ड आलेली होती एकदम नाही का सर ग्रेटर डेप्थ हो मग तुम्हाला वरच्या लेन घ्यायची गरज पण नाही तो दोस्तों ये है कैनन का मिररलेस कैमरा ईओएस सीरीज में आर सीरीज यहाँ पे यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे एक रिंग है ये तीनों चीज़ पे स्विच कर सकते हैं मतलब या तो फिर अपर्चर पे या फिर आईएसओ पे या फिर शटर स्पीड ये तीनों में से किसी एक को अगर आपको यूज करना है तो ये असाइन कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे शटर स्पीड का बटन और रिकॉर्डिंग का बटन यहाँ पे इन्होंने साथ में दिया है तो आप
बहुत ही स्पीड से आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्विच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डायल मोड उन्होंने निकाल के यहाँ पे एक सिंगल मोड दिया है, और इस मोड पे आप डिजिटल मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइट वेट लग रहा है मुझे, लेकिन फील तो वही आ रहा है मुझे। EOS R जो मिररलेस कैमरा है, इसका ट्यूटोरियल हम जल्दी हमारे चैनल पे लाएंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।